मशहूर पर्यटन स्थल चकराता में बर्फबारी की खूबसूरत तस्वीरें देखकर आपकी आंखें चमक गई होंगी। ये तस्वीरें चकराता के लोखंडी की हैं, जहां लगातार जारी बर्फबारी ने नजारा ही बदल दिया है। पर्यटकों की मन की मुराद पूरी हुई है तो कारोबारियों की आंखें भी चमक गई हैं। चकराता तो वैसे भी पर्यटकों की पसंदीदा जगह रही है। सबने लाइव स्नोफॉल देखा और हम ये चाह रहे हैं कि और भी ज्यादा स्नोफॉल हो ताकि लंबी तक चले, और इससे सब जगह फायदा होगा, खेती में भी फायदा होगा और बिजनेस में भी फायदा होगा। बड़ा मजा आ रखा है, बहुत ज्यादा जो है बिल्कुल जो है मन खुश हो गया है। जिस चीज के लिए आए थे वो चीज मिल गई, फुल पैसा वसूल। उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री, हरसिल, मुखवा, धराली जैसे इलाकों में लगातार बर्फबारी जारी है। लंबे इंतजार के बाद इस साल की ये पहली अच्छी बर्फबारी है। क्या मकान, क्या खेत, क्या पहाड़ियाँ, सभी सफेद बर्फ से लकदक दिख रही हैं। बर्फबारी अपने साथ भारी मुश्किल भी लेकर आई है। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर हरसिल के पास भारी बर्फबारी के चलते वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है। खरसाली भी बर्फ से सफेद हो गया है। यहाँ भी रास्ते बंद हो चुके हैं और इन्हें खोलने का जिम्मा अब सीमा सड़क संगठन के जवानों पर है। अब आपको टिहरी गढ़वाल के धनौल्टी की तस्वीरें दिखाते हैं। सुरकंडा देवी में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। बाबा केदार तो अपने शीतकालीन गद्दी स्थल उखी मठ में विश्राम कर रहे हैं, लेकिन उनका धाम बर्फबारी के आगोश में है। तस्वीरें देखिए, किस तरह बर्फबारी ने केदारनाथ मंदिर और पूरे मंदिर परिसर को अपने आगोश में ले लिया है। केदारनाथ का चप्पा चप्पा सफेद चादर से ढका है। बर्फबारी का असर केदारनाथ के पुनर्निर्माण कार्यों पर भी पड़ा है। ठंड के चलते केदारनाथ से मजदूर वापस लौटने लगे हैं। धाम में चल रहे सभी प्रकार के पुनर्निर्माण कार्य ठप पड़ गए हैं। केदारनाथ में कल दोपहर 2 बजे से रुक रुक कर बर्फबारी चल रही है और पूरी रात भर बर्फबारी चलती रही। अभी तक लगभग 1.5 फीट बर्फ गिर चुकी है। यहाँ पर पुनर्निर्माण कर्मियों को काम करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अब जरा ओली का नजारा देख लीजिए। उत्तराखंड में स्कीइंग के लिए मशहूर स्की रिजॉर्ट ओली में भी लगातार बर्फबारी हो रही है। ओली में देर से बर्फबारी हुई है, लेकिन इस बार सैलानियों की आमद पहले की तरह नहीं दिख रही। जोशीमठ में जो कुछ हो रहा है उसका असर ओली पर भी दिख रहा है। ओली का ये जो पूरा मैदान है, यहाँ पर स्की होती थी, लोग विंटर गेम का फायदा उठाते थे, स्नोबॉल्स खेलते थे, एक दूसरे पर बर्फ फेंकते थे, बर्फबारी का पूरा मजा लेते थे, लेकिन ओली में आई जो त्रासदी है उसने जोशीमठ पर असर डाला है और उससे भी ज्यादा असर यहाँ के टूरिज्म पर डाला है, क्योंकि पर्यटन जो सबसे बड़ा कारोबार और सबसे बड़ा स्रोत है आमदनी का, उस पर प्रभाव पड़ा है। 75% से ज्यादा सैलानी घटे हैं, जो आए हैं वो भी चिंता में है, लेकिन ओली कम से कम सुरक्षित है। बड़ा केबल वे जो रोपवे है वो बंद है, छोटा रोपवे चल रहा है, लेकिन उसका असर ये दिख रहा है कि यहाँ बिल्कुल सन्नाटा पसरा है। इक्का दुक्का टूरिस्ट आ रहे हैं और उससे जाहिर है कम से कम ओली में कुछ होने वाला नहीं है। ये पूरे उत्तराखंड की जो एक आर्थिक त्रासदी बन जाएगी, यहाँ के जो पूरा कारोबार है, कमाई है, उस पर असर पड़ेगा। ओली से मदन प्रसाद के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक।